हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तैयारी ओपीडिया जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर तो आज है चार जून 2023 तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जयपुर में शुरू हुई है तो ये आपको ध्यान में रखना है ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पहली प्रीमियर जो हैंडबॉल लीग जयपुर में जो शुरू होने वाली है वो आठ जून से शुरू होगी तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट तो हैदराबाद पिटियन राजस्थान फ्रेंचाइजी घरेलू लाभ से अधिक लाभ उठाने के लिए आशान्वित हैं जो उनके पास होगा तो ये आपको ध्यान में रखना है तो उद्घाटन प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 जून से शुरू होने जा रहा है यह कहाँ शुरू होगा जयपुर में इतना आपको ध्यान में रखना है और इनकी जो जो इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान फ्रेंचाइजी और राजस्थान पेट्रियट्स तो ये आपको ध्यान में रखना है राजस्थान पेट्रियट्स जिसका घरेलू आधार जयपुर शहर है तो उद्घाटन सत्र की मेज़बानी करेगा तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान पेट्रियट्स यह जयपुर शहर से है तो इसीलिए इसका उद्घाटन सत्र की मेज़बानी भी यही करेगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो यह आपको ध्यान में रखना है यह आयोजन दुबई में किया जा रहा है तो दुनिया में सबसे प्रत्याशित कबड्डी आयोजनों में से एक महिला कबड्डी लीग होता है वुमेन कबड्डी लीग तो इसका आयोजन दुबई में हो रहा है इस साल संयुक्त अरब अमीरात शहर में किया जाएगा दुबई में संयुक्त अरब अमीरात शहर में किया जाएगा यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है जिसकी शुरुआत 16 जून से होगी तो यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है क्योंकि पहला है मैंने आपको बताया है तो ऐसे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो दुबई के संयुक्त अरब अमीरात शहर में इसका आयोजन हो रहा है और कितनी तारीख से तो 16 जून से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है तो आपको इसलिए और ही ज़्यादा ध्यान में रखना है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं सभी मैच दुबई में कौन से क्लब में हो रहे हैं तो सबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित जाएंगे तो जो दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के लिए जाना जाता है तो ये भी बहुत ही आपको ध्यान में रखना है दुबई में कहां पर तो सबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया जाएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अभय के की पुस्तक नालंदा पर नई पुस्तक पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी तो अभय के इनका नाम है इनकी जो पुस्तक नालंदा जिसके अधिकरण की घोषणा पेंगुलम रैंडम हाउस इंडिया की द्वारा की गई है बिहार में सीखने की प्राचीन गद्दी के इतिहास में तल्लीन है तो यह आपको ध्यान में रखना है यह किताब विंटेज इम्प्रिट से अगले साल अक्टूबर 2024 में रिलीज होने वाली है तो यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इन, इसका प्रकाशन कौन करेगा तो इस पुस्तक को लिखा किसने है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है उन्होंने सार्क साहित्य पुरस्कार 2013 में प्राप्त किया था तो उनका नाम आया है तो वो पूछ सकता है एग्जाम में हिस्ट्री के रूप में और उन्हें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन डीसी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया तो यह आपको ध्यान में रखना है यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके रिलेटेड इसीलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा उससे ए, हिस्ट्री आप उसकी पढ़ लिए लीजिए क्योंकि उससे हिस्ट्री आजकल एग्जाम में पूछी जाती है चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धा ने पांच कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है तो यह योजना है तो योजना से रिलेटेड आपको और ध्यान में रखना है योजनाएँ तो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चलिए देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुख्यमंत्री सिद्धा की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने घोषणा पत्र में गारंटी के रूप में वादा की गई पांच कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें शक्ति और युवनित जैसी योजनाओं को सीधा रमैया मंत्रिमंडल द्वारा यह अनुमोदित किया गया है सभी योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है कि कौन से शहर में आयोजित हो रहा है और कहाँ हो रहा है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देव साह ने 2023 का स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स नेशनल स्पेलिंग भी चैंपियंस का ताज पहना है पहनाया तो फ्लोरिडा के 14 वर्षीय आठवें ग्रेडर से देव साह तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्लोरिडा के रहने वाले हैं फ्लोरिडा के जिन्होंने पेस्मोफिल शब्द की स्पेलिंग सही लिखी है इसीलिए उन्हें 2023 हज़ार तेईस की स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का अवार्ड मिल रहा है यह एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जहां भारतीय मूल के बच्चों ने अपना दबदबा कायम रखा है तो यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देव शाह ने पंचानवे स्पेलिंग बी और पचास हजार अमेरिकी डॉलर पुरस्कार जीतने के लिए शब्द की सही वर्धनी लिखी तो यह आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है तो यह पंचानवे स्पेलिंग भी और पचास हजार अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीतने के लिए यह सही वर्तनी लिखी थी प्रधानमंत्री चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रधानमंत्री तीन जून को गोवा में अपनी पहले वंदे भारत एक्सप्रेस झंडी को दिखाकर रवाना करेंगे तो यह कौन से नंबर की ट्रेन है वंदे भारत की तो आपको बताना है तो यह उन्नीसवें नंबर की ट्रेन है जो मुंबई से गोवा चलेगी तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत आधुनिक अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई गोवा मार्ग में ये कनेक्टिविटी बनाएगी तो आपको ध्यान में रखना है और गोवा मार्ग में यह सुधार करेगी क्षेत्र के लोगों को क्या करने के लिए तो गति प्रदान करने के लिए और आराम के साथ यात्रा करने के लिए यह साधन प्रदान करेगी ट्रेन देश से चलने वाली उन्नीसवीं वंदे भारत ट्रेन होगी तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि अठारहवीं हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था जो कहाँ से कहाँ तक चलती है मैंने ये भी आपको बताया था यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख बताना है तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करंट अफेयर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और इस बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसको कर लिया तो यह ट्रेन कहाँ से चलेगी तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गोवा के मड़गांव स्टेशन के बीच चलेगी तो यह आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी वो नंबर पूछ के और कहाँ से कहाँ तक चलेगी और कौन से स्टेशन से कहाँ से कहाँ तक चलेगी तो यह भी आपको पूछ लेता है तो यह आपको ध्यान में रखना है मडगांव स्टेशन तक यह जाएगी और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से यह रवाना होगी तो आपको ध्यान में रखना है तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आशा है आपको पसंद आएंगे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वही हम आपको कवर करा रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर से उसको लेकर आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं नहीं तो हमारी वीडियो भी देख आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं हम आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करने वाले हैं आज तो कुछ ही देर में हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे आपको तो आप उसे डेली दे, देखिए और अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बनाइए धन्यवाद